अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक से होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैबजी हुसैनी। तो आज का टॉपिक है हमारा कपिंग थेरेपी। तो आगे पढ़ने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी, एंड बिना स्किप करिए आज पूरी वीडियो जरूर देखना। कपिंग थेरेपी हर बीमारियों को शिफा देता है, क्योर टू एवरी डिजीज। कपिंग को हम हिजामा कहते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, हिजामा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ये एक ऐसी दवाई है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो हिजामा की मदद से। यहाँ तक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, हिजामा ब्लड कपिंग से बदन सही रहता है और अकल मजबूत होती है। आपने सुना होगा बहुत सारे मुल्क में ये करवाया जा रहा है, खास तौर पर मिडल ईस्ट एंड सारे यूरोप कंट्रीज इसे यूज कर रहे हैं, और यहाँ तक एथलीट्स, बॉक्सर, स्विमर्स भी इसे करवा रहे हैं। इतना फायदेमंद होता है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और क्यों ना हो, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। मैं इसे कराती हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी इसे करवाते हैं। मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगी, ये करवाने के बाद आपकी बॉडी इतनी हल्की महसूस करती है, ये वाकई ही एक्सलेंट रिजल्ट देता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये होता कैसे है। जैसे मैंने आपको कहा मैं करवाती रहती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसीजर कैसे होता है। ये पहले डेटॉल से वाइप करते हैं, वो एरिया को क्लीन करते हैं कपिंग पुट करने से पहले। फिर हमारा आता है फर्स्ट स्टेप, ड्राई कपिंग आता है। तो ड्राई कपिंग क्या करता है, कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि जो आसपास का गंदा खून कप के नजदीक आकर जमा हो जाए। तो 7 to 8 मिनट्स इसे रखा जाता है। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड की हेल्प से उसे हल्के से कट देते हैं। तो ये सुनकर आप लोग बिल्कुल डरिए मत, कट सिर्फ ऊपर के हिस्से में किया जाता है, जिसका दर्द ना के बराबर होता है और मालूम ही नहीं पड़ता है। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेप, वेट कपिंग। सेम जैसे ड्राई कपिंग में करते हैं, वैसे ही वेट कपिंग में होता है, पर इसमें हल्के हल्के कट देकर गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। दैट्स इट, यही प्रोसीजर है। पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, 2 to 3 days में ठीक हो जाता है। सिर्फ हल्के से जो ब्लेड से स्क्रैच किए जाते हैं वो दिखाई देते हैं, और राउंड जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो वैसे निशान रहते हैं, पर वो 4 दिन में खुद ही चले जाते हैं। तो उसकी फिक्र मत करिए आप लोग, वो पेनफुल नहीं होता है। तो ये होने के बाद तो मैं क्या यूज करती हूँ इस पर वो बताऊंगी कि जल्दी हील हो जाएगा। मैं लुकमान हयात लगाती हूँ, लुकमान हयात ऑयल। ये बहुत ही बेहतरीन ऑयल है, इससे दाग धब्बे निकल जाते हैं और निशान नहीं रहता है। ये ऑयल पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, इट्स अ मैजिकल हकीम ऑयल। तो अब चलते हैं इसके फायदे की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हो ये जेली जैसे खून बिल्कुल इसी तरह ये निकलता है। ये सिर्फ खून नहीं है, ये भरा हुआ है इंफ्लेमेशन, पस, टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स, ब्लड क्लॉट्स और भी बहुत सी चीज। ये हमारा बॉडी का गंदा खून है जो स्किन के नीचे वाले हिस्से में आकर जमा होता है, जिसे बॉडी में से ना निकालने पर कहीं सारी बीमारियों को कारण बनता है। तो हिजामा गंदा खून निकालने में हेल्प करता है। अब हर प्रॉब्लम्स के लिए है, जैसे कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, लोअर बैक पेन के लिए अच्छा है, स्टमक अल्सर्स ट्रीटमेंट के लिए भी है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जोड़ों के दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, लिवर की खराबी, अस्थमा, सोराइसिस जिसको है उनके लिए भी फायदेमंद है, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए भी है, डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए भी है। ये कपिंग चेहरे के लिए भी होता है, जिसको एक्ने पिंपल्स की ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो जरूर करवाइए, इंशाल्लाह उससे भी फर्क होता है। तो हेड कपिंग भी होता है, जिसमें हेडेक आ गया, माइग्रेन आ गया, साइनस आ गया, आंखों की प्रॉब्लम है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, क्रॉनिक हेडेक के लिए भी है, एंड ऑल्सो इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन एंड इंक्रीज सर्कुलेशन टू। तो अब सवाल आता है कौन इसे करवा सकता है। तो औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े ये सब करवा सकते हैं और ये सेफ है। ये बाहर की कंट्रीज में बच्चों को ज्यादा करते हैं।
अब आते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, इट इज द बेस्ट ऑफ रेमेडीज। मैं बहुत करवाती हूँ, मैंने कहा है आप लोगों को, मेरे घर वाले यहाँ तक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो हिजामा थेरेपिस्ट है उनका नाम है अल्फिया, जो मुझे घर पर ही हिजामा आकर करके जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी वेल एक्सपीरियंस्ड गर्ल है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, उनके हाथ में अल्लाह पाक ने शिफा अता किया है, मैं यही बोलूंगी। और बहुत ही माहिर है वो अपने फील्ड में, उनमें क्लेनलीनेस बहुत है, सब हाइजीन तरीके से करते हैं, अपने साथ हर चीज वो कैरी करते हैं। वो बहुत मुझे पसंद आई, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो मेरी यहाँ तक मेरी प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरह पहले समझ कर, मुझे क्वेश्चंस करके, मेरी मेडिकल हिस्ट्री को जान कर, मुझे सही तरीके से सेशंस बताए, कितने पॉइंट्स लगाना है वो भी बताया, फिर उन्होंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क भी हुआ है। लेकिन एक और बात ये है कि आपको जहां जाओगे हर लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये वीडियो से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा है और हेल्प होगा उनके लिए जो अभी तक हिजामा नहीं करवाए हैं। अब बहुत जरूरी बात आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग जहां जाओगे हिजामा के लिए तो ये करना जरूर, तो सबसे पहले हिजामा थेरेपिस्ट से सलाह जरूर लेना। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर शेयर करना, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है किस प्रॉब्लम में शरीर पर हिजामा कराना चाहिए। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना। उनसे ही हिजामा करवाना जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट, ब्लेड उन लोग यूज करते हैं, ये मालूम कर लो कि वो नया ही ब्लेड आप पर यूज कर रहे हो, क्योंकि पहले से किसी और पर इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड को दोबारा यूज करने से ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो आज आपको मैंने बहुत ही फायदेमंद चीजें बताई है। मेरे अल्लाह पाक आप सभी को सलामत रखे और सेहतमंद रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे हमेशा, इंशाल्लाह, आमीन इलाही आमीन। तो मैं यहाँ अपनी वीडियो एंड करती हूँ, जाने से पहले मुझे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आप लोगों को कितना हेल्प हुआ इससे। जजाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।